know her? आप इनको जानते हो कौन है ये? Yes, she is Queen Elizabeth. She was known as Virgin Queen. और ये Elizabeth थी, Elizabeth I, इंग्लैंड की क्वीन है. और इनको फेवरेट क्वीन बोला गया है इंग्लैंड की हिस्ट्री की. इंग्लिश हिस्ट्री में इस क्वीन को सबसे ज़्यादा फेवरेटिज्म मिला है, क्योंकि इन्होंने जितना टाइम रूल किया है, इनका रूल टाइम 50 साल था, और 50 साल के टाइम में इन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत काम किया है. इंग्लैंड को मीन्स पीक तक पहुंचाया है, लिटरेचर के नाम पे भी और पॉलिटिकली भी और मिलिट्री सर्विसेज में भी. उस टाइम पे इंग्लैंड जो था बड़ा पॉपुलर हुआ था इसी वजह के कारण. ओके, नाउ यू कैन सी एलिजाबेथन एज इज आल्सो नोन एज गोल्डन एज. अब एलिजाबेथन एज को लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन एज भी माना जाता है. क्यों? क्योंकि इस एज में बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे प्ले राइट्स आए थे, प्ले राइट्स ड्रामा, ठीक है. ये इस टाइम पे थिएटर बहुत पीक पे पहुंच गया था और बहुत सारे ड्रामाटिस्ट ने इसी टाइम पे ड्रामा लिखा था. जैसे वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी हमारे पास है विलियम शेक्सपियर. ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन एलिजाबेथन टाइम. एलिजाबेथन एज में उनको ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कितने प्लेज लिखे थे? 37 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 पोएम्स, लॉन्ग पोएम्स. तो इसी टाइम पे यूनिवर्सिटी विट्स आए. यूनिवर्सिटी विट्स वो लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे जो उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए थे. और यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी फेमस थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. ओके, और अभी इस वीडियो में आपको एलिजाबेथन एज को मैं एक कहानी बना के सुनाऊंगी, और जिससे आपको पता लग जाएगा कि एलिजाबेथ कौन थी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, और उनके रूल में, उनके राजकाल में क्या क्या हुआ था. लेट्स स्टार्ट विद मी. ओके, फर्स्ट एज यू कैन सी टूडर डायनेस्टी, शी बिलोंग्ड टू टूडर डायनेस्टी. अब आप पूछोगे टूडर डायनेस्टी क्या है? टूडर डायनेस्टी, जैसे हम बोलते हैं ना एक कुल, ठीक है, एक वंश, तो उनका वंश था टूडर. तो ये आप देख सकते हो, ये इनका सिंबल था, ठीक है. मींस ये इनका एक तरह का स्टेटस था, जहां से पता चलता था कि ये टूडर डायनेस्टी का फ्लैग है. ओके, और टूडर डायनेस्टी बहुत सालों से चली आ रही थी. क्वीन एलिजाबेथ वॉज लास्ट ऑफ टूडर डायनेस्टी. ये टूडर डायनेस्टी के लास्ट मोनार्क थे. अगर मैं बात करूं तो ये है हेनरी 7, एलिजाबेथ के ग्रैंडफादर. उसके बाद एलिजाबेथ के फादर हेनरी 8, देन मैरी, जिसको हम ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है. और आपको पता है ब्लडी मैरी कौन थी? ब्लडी मैरी क्वीन एलिजाबेथ की स्टेप सिस्टर थी, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक इतिहास रचा. कैसा रचा? जो कि डर, फियर वाला था, ठीक है. वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के साथ क्या क्या हुआ था, ब्लडी मैरी और एलिजाबेथ का रिलेशनशिप कैसा था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब हम बात करेंगे एलिजाबेथ के फादर की. हु वाज फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ? हेनरी 8. अब हेनरी 8 एक लिटरेचर में, इंग्लिश हिस्ट्री में एक ऐसे मोनार्क थे जो जाने जाते थे अपनी 6 शादियों की वजह से. 6 शादियां की थी इन्होंने, हेनरी 8 ने. और उन शादियों में से आप देख सकते हो कि ही वॉज द वन मोनार्क जिन्होंने रिलीजन को भी चेंज किया था. वो मैं आपको अभी समझाती हूँ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड दिस थिंग. हेनरी 8 इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश मोनार्क्स ड्यू टू हिज 6 मैरिजेस. 6 मैरिजेस करवाई इन्होंने. एंड ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक अपनी चर्च बनाई थी, ठीक है. उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले आप ये वाला कंसेप्ट समझो. इन्होंने 6 शादियां करवाई थी, ठीक है. अगर मैं फर्स्ट वाइफ की बात करूं तो उनका नेम है कैथरीन ऑफ आर्गन. कैथरीन ऑफ आर्गन वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हेनरी 8. अब कैथरीन ऑफ आर्गन थी जो, उसके एक बेटी थी. बट हेनरी 8 चाहते थे डेट आई नीड अ मेल हायर. मुझे मेरी संपत्ति के लिए, मोनार्की के लिए, सक्सेशन के लिए एक मेल हायर, मुझे वारिस चाहिए जो बेटा होगा. बट
फर्स्ट वाइफ से उनको सिर्फ एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मैरी, जो बाद में क्या बन जाएगी, ब्लडी मैरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बेटे की चाहत में इन्होंने दूसरी शादी करवाई। दूसरी शादी वाली वाइफ थी एन बोलिन। अब इनका हिस्ट्री में बड़ा नाम है, क्यों है, क्योंकि शी इज अ मदर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब क्या हुआ था, अब हेनरी, जो हेनरी एट है, उन्होंने जब दूसरी शादी करवानी थी तो पहले इंग्लैंड में सिर्फ एक चर्च होती थी, सबका एक धर्म होता था, उस चर्च का नेम था रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च में एक रिलीजन फॉलो होता था उस टाइम पे। कैथोलिसिज्म के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, प्रोटेस्टेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। रोमन कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग पोप इज द सुप्रीम पावर। पोप जो था, पोप होते हैं जो फादर होते हैं ना चर्च में, वो सुप्रीमेसी सी, उनके पास सुप्रीमेसी होती थी। ठीक है, कि वो सब कुछ करेंगे, डिवाइन राइट होता था उनके पास कि जो उन्होंने बोल दिया वही होगा। ओके, बट जब रोमन कैथोलिक चर्च ने इसको बोला हेनरी को डेट यू डोंट हैव एनी राइट टू री मैरी, तेरे पास कोई हक नहीं है कि तू दूसरी शादी कर सके, तो हेनरी एट ने क्या किया, बोला डेट आई एम जस्ट रिजेक्टिंग योर चर्च, मैं तो तुम्हारी चर्च को नहीं मानता, मैं अपनी खुद की चर्च बना लूंगा। इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने एक चर्च बनाई, एंग्लिकन चर्च, जिसको हम प्रोटेस्टेंट चर्च भी बोल देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में रिलीजन का क्राइसिस। दो हिस्सों में जो रिलीजन था वो बांटा गया, प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथोलिक। अब जो इसकी पहली वाइफ थी मैरी की मदर, शी वॉज कैथोलिक, बहुत रिजिड थी, और दूसरी वाइफ प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने दूसरी शादी करवाई, तो उस टाइम पे मैरी को हो गया कि मैं तो सक्सेशन लाइन से दूर हो गई, क्योंकि आई एम नॉट लिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हेनरी एट। अब हेनरी एट ने तो मेरी मदर को डाइवोर्स दे दिया, तो मैं तो लिजिटिमेट चाइल्ड नहीं हूँ, तो मैं सक्सेशन लाइन में, मैं थ्रोन पे कभी नहीं बैठ पाऊंगी। ठीक है, तो मैरी की जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे चीजें आई जिससे उसको और क्रुएलिटी मिली, जिससे वो बहुत ज्यादा क्रूअल बन गई प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट। ओके, अगर मैं बात करूं एन बोलियन के साथ शादी हुई, तो एन बोलियन ने भी एलिजाबेथ को जन्म दिया, और अगेन हेनरी एट का जो प्लान था कि उसके बेटा होगा, वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसने एन बोलियन को डाइवोर्स नहीं दिया, बीहेड करवा दिया। उस टाइम पे बीहेड करवाने का मतलब ऐसे होता था, सजा मिलती थी, ऐसे ब्लेड लगा होता था, ठीक है, ग्लूटाइन, तो उस पे सर रख के सर को क्लाम, मतलब कलम कर दिया जाता था, सर को काट दिया जाता था, तो ये होता है बीहेड। तो इस टाइम पे जो एलिजाबेथ की मदर है, उसको ये सजा मिली थी, और उस पे दोष क्या लगा था, डेट शी इज इन चार्ज ऑफ अडल्ट्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वहां पे क्या हुआ था, एलिजाबेथ की मदर को भी सजाए मौत मिली। देन फिर उन्होंने थर्ड शादी करवाई जेन सीमोर के साथ। जेन सीमोर के साथ उनका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, और उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया एडवर्ड सिक्स। बट ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रोंग चाइल्ड, वो बड़ा स्वस्थ बच्चा नहीं था, और उनकी बहुत टाइम, 15 साल के थे जब वो, उनकी डेथ हो गई थी एडवर्ड सिक्स की। एंड जेन सीमोर ऑल्सो डाइड आफ्टर डिलीवरी, जब उनको बच्चा हो गया, एडवर्ड सिक्स हो गए, तो जेन की डेथ हो गई। फिर देखो, फिर इन्होंने फोर्थ शादी करवाई एन ऑफ क्लीव्स के साथ। एन ऑफ क्लीव्स को कैसे शादी करवाई, पॉलिटिकल अलायंस की वजह से, कि सिर्फ पॉलिटिकल मैं अच्छा दिखूं, तो इन्होंने एन ऑफ क्लीव्स के साथ शादी करवाई कि पॉलिटिकली मैं पावरफुल बन जाऊं। फिर इनको भी डाइवोर्स दे दिया। फिर फिफ्थ शादी करवाई कैथरीन होवर्ड के साथ। कैथरीन होवर्ड को भी वही एग्जीक्यूशन मिली, बीहेड किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चार्ज लगा के इनको भी बीहेड किया गया। लास्ट वाइफ कैथरीन ऑफ पार, जो इनकी पूरी जिंदगी तक इनकी वाइफ रही, जितना भी टाइम बचा तो इनके साथ इन्होंने गुजारा, इनको ना डाइवोर्स दिया ना ही इनको एग्जीक्यूट किया गया। अब आपको समझ में आ गया, देयर आर थ्री चिल्ड्रन ऑफ हेनरी एट। अब हमारे पास हेनरी एट के तीन बच्चे हैं, कौन कौन, मैरी, एलिजाबेथ, एडवर्ड सिक्स। अब ये तीनों अलग अलग मदर्स हैं इन तीनों की। ठीक है, अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो मैरी का रिलीजन है कैथोलिक, एलिजाबेथ का रिलीजन है प्रोटेस्टेंट,
एडवर्ड सिक्स का रिलीजन भी प्रोटेस्टेंट है एज देयर फादर. नाउ कम टू द थिंग क्वीन एलिजाबेथ. अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्या क्वीन हेनरी एट की डेथ के बाद क्वीन एलिजाबेथ को उसी टाइम बिठा दिया गया था थ्रोन पे. नो वी आर रॉन्ग. इनसे पहले दो जो मोनार्क्स थे, तीन मोनार्क्स ने रूल किया, वो मैं समझाती हूँ. सबसे पहले सक्सेशन लाइन में आए एडवर्ड सिक्स, ठीक है, जो मैंने बताया. व्हेन ही वाज ओनली 9 years old उनको थ्रोन पे बिठाया गया. अब आप मुझे बताओ 9 साल का एक बच्चा कितना बड़ा राजा बन सकता है? तो उसकी तो ना ही राज वाले, ना ही उसकी प्रजा सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा ना, कोई सीरियस नहीं लेगा. 9 साल का बच्चा है वो. तो 15 साल के थे जब एडवर्ड सिक्स, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया और उनकी डेथ हो गई, ठीक है. अब फिर इंग्लैंड का थ्रोन खाली है, अब कौन बैठेगा यहाँ पे? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ एज वाइज, तो हु इज द डिजर्विंग कैंडिडेट? मैरी, ठीक है. तो मैरी ने सोचा कि मैं बैठती हूँ यहाँ पे. तो मैरी का थ्रोन कैसे आया? एडवर्ड ने क्या किया? एडवर्ड को पता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है. मेरे जाने के बाद अगर मैरी आ गई तो उसने यहाँ पे आके क्रुएलिटी दिखानी है, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट को लाइक नहीं करती है, ठीक है. जो जो उसके साथ हो रखा है लाइफ में, शी डिड नॉट लाइक प्रोटेस्टेंट. तो एडवर्ड सिक्स ने बोला कि मैं अपनी कज़न, प्रोटेस्टेंट कज़न, जिसका नेम है जेन, लेडी जेन, लेडी जेन को थ्रोन पे बिठाऊंगा. एंड डू यू नो, लेडी जेन एंड हर हस्बैंड, इन दोनों को मैरी ने एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है, इनको भी मरवा दिया. एंड वन फैक्ट मोर, एक और चीज़ है जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है. लेडी जेन वॉज द ओनली मोनार्क, वॉज द ओनली क्वीन ऑफ इंग्लैंड जिसका रूल, जिसका पीरियड सिर्फ 9 days का था. वो कौन थी? लेडी जेन, जिसने कब रूल किया था? एडवर्ड सिक्स की डेथ के बाद और मैरी के पहले. तो उसने सिर्फ 9 दिन तक इंग्लैंड के थ्रोन पे राज किया, उसके बाद मैरी ने उनको मरवा दिया और मैरी थ्रोन पे बैठ गई, ठीक है. अब जब मैरी थ्रोन पे बैठी तो क्या क्या हुआ वो देखते हैं. यस, एज यू कैन सी द पिक्चर, शी इज मैरी वन, जिसको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है. जब मैरी, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री एलिजाबेथ पीरियड, एलिजाबेथ से पहले वाला क्या टाइम था. क्योंकि एलिजाबेथ को जाना जाता है उनके सेटलमेंट के लिए, उन्होंने आके जो बैलेंस बनाया ना उसके लिए वो जानी जाती हैं. मैरी ने क्या किया? रिलीजियस डिफरेंसेस बना दिए. एज यू नो शी वॉज कैथोलिक, वो तो कैथोलिक हैं, और ज़्यादातर प्रजा क्या है? प्रोटेस्टेंट. तो इनके मन में प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ इतना गुस्सा था कि इन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूट करवा दिया बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को, आग लगवा दी, मींस एट द स्टेक उनको जलवा दिया. बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को इकट्ठा करके उनको आग लगाई गई मैरी के रूल में. तो यहाँ पे जितनी भी प्रोटेस्टेंट प्रजा थी उनके मन में डर का माहौल था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ठीक है. और मैरी ने सिर्फ सिर्फ तवज्जो दी रोमन कैथोलिक्स को, ठीक है. इसने प्रचार किया कि रोमन कैथोलिकिज्म ही होना चाहिए इंग्लैंड में, ना कि प्रोटेस्टेंट, बिकॉज शी वॉज वेरी मच अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स. क्योंकि इसके फादर हेनरी एट ने इसकी मदर कैथोलिक को डाइवोर्स दिया था, और किससे शादी करवाई थी? प्रोटेस्टेंट के साथ, ठीक है. फिर इन्होंने क्या किया, इनको एक चीज और थी, इनको था एलिजाबेथ की लेजिटिमेसी का डर कि आई एम नॉट लिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हेनरी एट, क्योंकि उसकी मदर को डाइवोर्स मिला हुआ है. तो इनको ये था कि शायद एलिजाबेथ थ्रोन पे आ जाए. तो इन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ को इम्प्रिजनमेंट दे दी, सजा कर दी, मींस जेल में रखा, ठीक है. फिर क्या हुआ, आप देख सकते हो पिक्चर, ऐसे दिस वॉज द प्लेस वेयर एलिजाबेथ वॉज इम्प्रिजेंट, और इस प्लेस का नाम है टावर ऑफ लंडन. एज यू कैन सी एलिजाबेथ बैठे है ना, एलिजाबेथ बैठे ये, और ये टावर ऑफ लंडन में है. टावर ऑफ लंडन वॉज इम्प्रिजनमेंट जेल थी ये, वहाँ की लंडन की बहुत फेमस, एज वेल एज एलिजाबेथ की मदर थी एन बोलिन, शी वॉज ऑल्सो इम्प्रिजेंड हेयर.
यहीं पे उनको भी इम्प्रिजेंट करके रखा हुआ था। तो मैरी ने आके क्या किया, एलिजाबेथ को बहुत टाइम तक जेल में रखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैरी की जब डेथ हुई तो क्वीन एलिजाबेथ को थ्रोन पे बिठाया गया। तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या क्या किया वो देखते हैं। ओके, क्वीन एलिजाबेथ वन रूल्ड फ्रॉम 1558 टू 1603, स्टेबलाइजिंग इंग्लैंड आफ्टर इयर्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि इंग्लैंड स्टेबल नहीं था पॉलिटिकली, यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स चलते थे, बहुत कुछ हो रहा था। तो क्वीन एलिजाबेथ ने आके बैलेंस किया, स्टेबल किया उस पोजीशन को। फिर उन्होंने क्या किया, पावर को सोलिडिफाइड किया, बैलेंस किया रिलेशनशिप को। किनके रिलेशनशिप बिगड़े हुए थे, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स के। पार्लियामेंट को फॉरेन अलाइज रखे अपने साथ, ठीक है। एलिजाबेथ रेन इज मार्क्ड बाय रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज़, और शी वॉज द वन जिसने आके प्रोटेस्टेंट या कैथोलिज्म में कोई फर्क नहीं किया, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग सभी समान थे, तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ में बड़ा पार्टिसिपेट किया, और ये चाहते थे कि देश में यूनिटी बनी रहे और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक जो भी क्लैश चल रहा है वो खत्म हो जाए। एम आई क्लियर? और देखो इसके बाद आपको मैरी का तो पता ही चल गया। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, वट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथोलिक, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, कि मैम बोल रहे हैं कि दो रिलीजन थे पर क्या था उनके बीच में, मेन डिफरेंस क्या है। देखो पहले आप चर्च का देखो, दीज आर टू चर्चेस, डिफरेंट चर्चेस ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स को हम ज्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और ये चर्च है कैथोलिक। तो आप देख सकते हो बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर मैं कैथोलिक चर्च की बात करूं तो यहाँ पे हर चीज आपको आलीशान दिख रही है ना, मिरर वाला वर्क है, बड़ा ही अच्छा आर्किटेक्चर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बड़ी स्ट्रेट सी चर्च है, वुडन वर्क हो रहा है यहाँ पे। और अब हम मेजर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। देखो व्हाट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड रोमन कैथोलिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटी ऑफ द बाइबल वर्सेस चर्च ट्रेडिशन। अगर मैं बात करूं प्रोटेस्टेंट्स की, प्रोटेस्टेंट्स कैसे लोग थे, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ बाइबल ही महान है, वो सिर्फ बाइबल को मानते थे। बट अगर मैं रोमन कैथोलिक की बात करूं तो वो इन दोनों चीजों को मानते थे, बाइबल को भी और चर्च की ट्रेडिशंस को भी। ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो थे रोमन कैथोलिक वो हर रोज चर्च जाते थे, ठीक है, बट प्रोटेस्टेंट थे वो वीकली चर्च जाते थे। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल फॉर दिस पॉइंट। अगली बात है रोल ऑफ द पोप। अब कैथोलिक जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग पोप सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर बंदा है जिसके अकॉर्डिंग सारा रिलीजन चलेगा, जो पोप ने बोल दिया वही होगा। बट प्रोटेस्टेंट इसको रिजेक्ट करते थे, जैसे किसने किया था, हेनरी एट ने पोप की बात नहीं मानी, उसकी बहुत लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो उसने अपनी अलग से चर्च बना ली। प्रोटेस्टेंट्स का मेन यही था डेट वी आर डिनाइंग पोप, हम पोप की बात को नहीं मानेंगे क्योंकि सुप्रीम पावर सिर्फ जीसस क्राइस्ट है, ना कि पोप, ठीक है। बट कैथोलिक पोप को जीसस क्राइस्ट का मैसेंजर समझते थे। उसके बाद है साल्वेशन एंड ग्रेस। जो कैथोलिक्स थे उनके अकॉर्डिंग मुक्ति कैसे होगी, अगर हम पोप को मानेंगे, चर्च के ट्रेडिशंस को मानेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। बट ज्यूज के अकॉर्डिंग, प्रोटेस्टेंट्स के अकॉर्डिंग हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें अपने अच्छे कर्मों से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कन्फेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फेशंस एंड क्लर्जी। आपको पता भी होना चाहिए, एज यू नो डेट क्लर्जी वॉज वेरी मच करप्टेड एट द टाइम ऑफ एलिजाबेथन एज। जैसे आप जेफरी चौसर को पढ़ोगे उनकी कैंटरबरी टेल्स में, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चर्च कितनी करप्ट थी, वो कैसे कन्फेशंस लेती थी लोगों से और उनसे पैसे लेती थी, ठीक है। ये बात मैं समझाती हूँ, कन्फेशन एंड क्लर्जी। जो क्राइस्ट, जो ये कैथोलिक लोग थे, इनके अकॉर्डिंग
कि अगर मैंने कोई पाप कर दिया, मान लीजिए मैंने कोई पाप किया, ठीक है, तो ये बोलते थे कैथोलिज्म के अनुसार, ये ऐसे बोलते थे कि आप हमारे पास आओ और प्रीस्ट से मिलो, उनको आप बताओ कि आपने क्या क्राइम किया है, फिर वो एज अ मैसेंजर गॉड के पास लेके जाएगा आपका मैसेज और आपको माफी दिलवाएगा, ठीक है। तो ये था कैथोलिक्स का, बट ज्यूज इस चीज को रिजेक्ट करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट जस्ट डीलिंग विद प्रीस्ट ऑफ चर्च, हमें किसी के साथ डील नहीं करना, हमें कन्फेशंस ऐसे ही मिल जाएंगे। सो दीज आर द सम मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, जो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और वन थिंग मोर, रोमन कैथोलिक्स थे जो, वो क्या थे, वो बड़े कट्टर थे, रिजिड थे अपनी सोच में, ठीक है, उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया। और ज्यूज थोड़े नॉर्मल लोग थे, उनके वो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे, जैसे हेनरी 8 इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। ओके, अब हम बात करेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट थिंग, फॉरेन इन्फ्लुएंस। अब आपको पता ही है क्वीन एलिजाबेथ का धर्म क्या है, प्रोटेस्टेंट, पर उनसे जैसे इंडिया के ऊपर कितने सारे अटैक हुए हैं, है ना, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज अटैक्ड अस, बहुत कुछ हुआ है, तो ऐसे ही इंग्लैंड के ऊपर भी बहुत सारा अटैक हुआ धर्म के नाम पे। तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जैसे स्पेन, नीदरलैंड, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इंग्लैंड को, कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म कैसे चल रहा है। दे थिंक डैट हाउ इट इज़ हैपन इन इंग्लैंड डैट प्रोटेस्टेंट धर्म, प्रोटेस्टेंट रिलीजन इज ऑन द पावर। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, कैथोलिक नेशन, जैसे स्पेन की बात करूं तो स्पेन का राजा था फिलिप टू स्पेन का राजा था, एंड ही वाज आल्सो हस्बैंड ऑफ क्वीन मैरी, ठीक है। तो क्वीन मैरी और जो फिलिप टू था वो साथ मिलके प्लॉट्स बनाते रहते थे कि हमें एलिजाबेथ को मरवाना है किसी ना किसी तरीके से। तो पहला प्लॉट क्या था, स्पेनिश आर्मडा ऑफ 1588, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ था, थ्रेट इंग्लैंड को आया डायरेक्ट स्पेन की तरफ से, और उस थ्रेट को ये नाम दिया गया है, तो आपको ये नाम याद रखना है, स्पेनिश आर्मडा ऑफ 1588। अब इस थ्रेट में क्या हुआ था, यू कैन सी द पिक्चर एंड एनालाइज इट प्लीज। ओके, हैव यू सीन द पिक्चर, सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इट, आप देख सकते हो, पढ़ो इसको, स्पेनिश आर्मडा वाज अ फ्लीट ऑफ ships सेंट बाय स्पेन इन 1588 टू इन्वेड इंग्लैंड। द मिशन वाज ऑर्डर्ड बाय किंग फिलिप टू ऑफ स्पेन, हु वांटेड टू ओवरथ्रो एलिजाबेथ वन एंड रीस्टोर कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड। अब ये किसने भेजा था, यहाँ पे बहुत सारी ships आई थी, कितनी ships आई थी, 180 ships ने अटैक किया था इंग्लैंड के ऊपर। और फिर क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी फैसिनेटिंग सी बात हुई कि यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि जो नेवी वाली चीज़ें होती हैं, जो ships वगैरह होते हैं, इनमें हवा का बहुत सिग्निफिकेंस है ना। तो अचानक से तूफान आया, अचानक से तेज हवा आई, जिसके कारण ये सारी ships में से कुछ ships बची थी जो वापस स्पेन गई, बाकी सारी ख़त्म हो गई थी। और नेवी फोर्स में, इंग्लैंड की नेवी फोर्स बहुत पावरफुल थी, और ये किसके रेन के अंडर हुआ, क्वीन एलिजाबेथ वॉज ओनली क्वीन जिसके रेन के अंडर ये सब कुछ हुआ था। ओके, अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे जो विंड चली थी उसको भी नाम दे रखा है, उसको बोला गया है प्रोटेस्टेंट विंड, मतलब हवा भी चली वो किनके तरफ चली, प्रोटेस्टेंट्स के तरफ, इसीलिए इस हवा को नाम दिया गया है प्रोटेस्टेंट विंड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. और क्या हुआ? देखो, अब उनसे ये स्पेनिश आर्माडा भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत बुरी तरह हार हुई स्पेन वालों की. अब क्या हुआ, इन्होंने कैथोलिक प्लॉट बनाए, बहुत सारे प्लॉट बनाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लॉट है बेबिंगटन प्लॉट. बेबिंगटन प्लॉट क्या था? बेबिंगटन प्लॉट, ये बंदे को देखो, एंथनी बेबिंगटन. एंथनी बेबिंगटन था जो, वो उसने मैरी के साथ, मैरी तो आप जानते ही हो, ठीक है, फिलिप टू की वाइफ, एलिजाबेथ की स्टेप सिस्टर एंड स्पेन की क्वीन, उसने क्या किया, एंथनी बेबिंगटन के साथ मिलके एग्जीक्यूशन के लिए, किसकी एग्जीक्यूशन करनी है, क्वीन एलिजाबेथ की, प्लान बनाया. तो मैरी जो, ये एंथनी बेबिंगटन है, इसने लेटर लिखा मैरी को, ठीक है, और वो जासूसी की, ये स्पाई था, जासूस था क्वीन एलिजाबेथ का, फ्रांसिस वालसिंघम. सिंघम आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है, तो वालसिंघम वाज अ स्पाई ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. उसने बताया मैरी को, सॉरी क्वीन एलिजाबेथ को, कि ऐसा इन दोनों के बीच में कोई लेटर हुआ है जिसमें बात लिखी गई है आपकी एग्जीक्यूशन की. फिर मैरी को बुलाया गया और उनको, इसको एग्जीक्यूट किया गया, एंथनी बेबिंगटन को. इस प्लॉट को बोला जाता है कैथोलिक प्लॉट. और यहाँ पे मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स की बात है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड नोबिलिटी? अगर मैं पार्लियामेंट एंड नोबिलिटी की बात करूं तो उनका क्या रोल था? बहुत ज्यादा रोल था. पार्लियामेंट के पास कुछ पावर थी, बट क्वीन एलिजाबेथ ने हर चीज को मेंटेन रखा हुआ था. कोई ऐसा क्लैश नहीं था कि पार्लियामेंट उनकी मर्जी के बिना कुछ ऑर्डर कर दे, ठीक है. तो हर चीज बैलेंस्ड फॉर्म में थी. ऐसे ही नोबल्स भी क्वीन एलिजाबेथ के साथ विदाउट क्लैश जी रहे थे. ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स. अब यहाँ पे क्या क्या चल रहा था? इकोनॉमी कैसी थी इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पीरियड पे? अगर बात करें महंगाई, इन्फ्लेशन भी बहुत थी और पॉवर्टी भी बहुत थी. जो अमीर था बहुत अमीर था, जो गरीब था बहुत गरीब था. सोशल अनरेस्ट, जैसे ही आपको पता ही है दो रिलीजन चल रहे हैं प्रोमिनेंट, तो सोशल अनरेस्ट था, डिसकॉन्टेंट था, सबके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं थी. ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चली थी. अमेरिका को ढूंढा गया था, ऐसे ही इंडिया को भी ढूंढा गया था. वास्को डे गामा वाज फाउंडर ऑफ इंडिया एज वेल एज कोलंबस वाज फाउंडर ऑफ अमेरिका. ओके, और भी बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई. अब बात करते हैं मेन मुद्दे की. What are the main literature thing in Elizabethan age? Elizabethan age में literature कैसा था? देखो, literature तीन forms में था, poetry, drama and prose. Poetry, as you know, poetry क्या होती है? जिसमें rhyming scheme होती है, meter होता है, ठीक है, poem. ड्रामा, ड्रामा में दो तरह के ड्रामा होते हैं, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया मेन ड्रामाटिस्ट कौन थे, विलियम शेक्सपियर. प्रोज, प्रोज यू नो एक ऐसे टाइप होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी पोइट्री का फंक्शन नहीं होता, ड्रामा का नहीं होता. अब यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर ये तीनों चीज़ें लिखी जाती थी. लव का थीम था, पॉलिटिक्स का थीम था, एज वेल एज देयर वॉज थीम ऑफ सुपर नेचुरलिज्म. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब जो मेन चीज है, ये देखो, थिएटर्स बन गए थे इनके टाइम पीरियड पे. पहले थिएटर प्राइवेट होते थे, फिर पब्लिक बन गए, ठीक है. अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, दिस इज प्राइवेट एंड दिस इज पब्लिक, ये आप देख लेना, क्रॉस है. अगर प्राइवेट थिएटर की बात करें तो प्राइवेट थिएटर पब्लिक थिएटर बनने से पहले वाले थे. इस टाइम पीरियड पे प्राइवेट थिएटर में क्या होता था, इंडोर ड्रामास होते थे प्राइवेट थिएटर्स में. और नोबल लोग थे, जो बड़े बड़े शाहूकार लोग थे, जिनके पास बड़ा पैसा था, वही इन थिएटर्स में जा सकते थे, क्योंकि फीस चार्ज बहुत ज़्यादा था. तो कॉमन लोग इन थिएटर को एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ सकते थे इन थिएटर्स में. हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर. और अगर यहाँ पे लाइट यूज करनी होती थी तो वो कैंडल्स यूज करते थे, कैंडल्स यूज करते थे फॉर द लाइटनिंग इफेक्ट. ओके, एंड अब हम पब्लिक थिएटर की बात करते हैं.
पब्लिक थिएटर जिसमें हर तरह के लोग आ जाएं। तो इंग्लैंड में सबसे पहले फर्स्ट थिएटर जो बना वो बना था द थिएटर, और दो एक्टर्स थे जिनका नेम है रिचर्ड बर्बेज एंड जेम्स बर्बेज। दोनों ने मिलके ये थिएटर का प्रपोजल रखा क्वीन एलिजाबेथ के सामने, और उनके बीच एक बंदा और था लॉर्ड लाइसेस्टर। लॉर्ड लाइसेस्टर को माना जाता है डेट ही वॉज अ क्रश ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एज यू नो डेट क्वीन एलिजाबेथ वॉज नॉट मैरिड और उनका कोई भी बच्चा नहीं था क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करवाई थी, इसीलिए तो उनको वर्जिन क्वीन बोला जाता है। ठीक है, तो पब्लिक थिएटर बनने शुरू हो गए थे जिसमें अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस होती थी। जब एक थिएटर बना तो बहुत सारे एक्टर्स थे, तो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, एडमायरल्स मैन, किंग्स मैन, क्वींस मैन, किंग्स मैन, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए और अलग अलग थिएटर बने, जैसे द स्वैन, द रोज, द ग्लोब। अगर मैं विलियम शेक्सपियर की बात करूं तो विलियम शेक्सपियर वॉज वेरी मच एसोसिएटेड विद दिस थिएटर। ग्लोब थिएटर के साथ वो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड थे और उनकी बहुत सारे पर, जो थी आप बोल सकते परफॉर्मेंसेज वो इस थिएटर में हुई थी। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो ये पहले वाला थिएटर है प्राइवेट थिएटर, ये वाला इधर वाला प्राइवेट है और ये पब्लिक थिएटर है द थिएटर। ये था द थिएटर, एज यू कैन सी देयर इज अ फ्लैग जिससे पता चलता था कि वो परफॉर्मेंस शुरू हो गई या नहीं हुई। ये पब्लिक है, ये इंडोर थिएटर है, ठीक है, अंदर ही अंदर, जैसे ब्लैक फ्रायर्स जहाँ पे सिर्फ किंग एंड क्वींस जा सकते थे क्योंकि हाई चार्जेस होती थी फीस। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितने सारे लोग बैठे हैं, और ये इंडोर आउटडोर होता था, खुला होता था बहुत ज्यादा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट राइटर विलियम शेक्सपियर, जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द बेस्ट राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज। ये एलिजाबेथन एज के बेस्ट राइटर हैं और आज भी इनको सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट माना जाता है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड ही इज नोन फॉर हिज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, इंट्रिकेट प्लॉट्स जिसमें बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे, यूनिवर्सल थीम। जैसे आज भी बहुत सारे मैकबेथ मिलेंगे आपको, आज भी बहुत सारे हैमलेट होंगे जो दुविधा में रहेंगे, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, तो रेलिवेंसी शेक्सपियर की आज के टाइम में भी है। किंग लियर, इनकी अगर मैं चार ट्रेजेडीज की बात करूं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट चार ट्रेजेडीज हैं जिसको हम होकम के नाम से याद कर सकते हैं। हैमलेट, ओथेलो, ओथेलो इज नोन फॉर हिज जेलेसी, किंग लियर, मैकबेथ। अगर हैमलेट की बात करें तो ये डेलिमा में था, इसको नहीं पता था कि मैं करूं या ना करूं, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी। अगर मैं ओथेलो की बात करूं तो ही इज नोन फॉर हिज जेलसी। अगर मैं किंग लियर की बात करूं तो ओवर रीचिंग, मतलब इनको नहीं पता लगा कि मैं अपनी तीन बेटियों में से किस बेटी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दूं या फिर कैसे शेयरिंग करूं, तो इनका एक हेमार्शिया, इनकी एक गलती के कारण इनका ट्रेजिक फॉल होगा। उसके बाद मैकबेथ, मैकबेथ इज ऑल्सो, ही वॉज वेरी ग्रीडी, ही वॉन्ट टू कॉन्कर द थ्रोन। ये राजा बनना चाहता था और उसके ग्रीड में लेडी मैकबेथ इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मैकबेथ, जिसमें लेडी मैकबेथ ने अपने पति को बोला कि हाँ तुझे राजा को मार देना चाहिए फॉर द थ्रोन, और वही चीजें होती हैं। ट्रेजिक फॉल इज द मेन थीम ऑफ फिल्म शेक्सपियर। ठीक है, तो बहुत सारी कॉमेडीज लिखी हैं इन्होंने जो आप जान सकते हो, जैसे एज यू लाइक इट, ओके, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ऐसे ही बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। ओके, अगले हमारे पास राइटर हैं, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी दो हिस्सों में ड्रामा बटा हुआ था, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो इज नोन फॉर हिज ट्रेजेडी। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर डेट देयर वर यूनिवर्सिटी विट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स थे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, उनमें मेन थे क्रिस्टोफर मार्लो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, और सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे जैसे टम्बल लेन, डॉक्टर फोस्टर्स, जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू,
ठीक है, तो ये अपनी ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते थे। अगर मैं बात करूं बेन जॉनसन की, ये जैकोबियन ड्रामा में भी आएंगे, जैकोबियन एज में भी आएंगे, जो एलिजाबेथन एज के बाद है। और बेन जॉनसन ने बहुत सारी कॉमेडीज लिखी हैं, जैसे वॉल पोन, ठीक है, एल्केमिस्ट, ऐसी कॉमेडीज के लिए बेन जॉनसन को जाना जाता था। एंड ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के यही फाउंडर हैं। अगर मैं बात करूँ थॉमस किड, तो थॉमस किड के साथ एक बहुत अच्छी सी कहानी फैक्ट जुड़ा हुआ है। थॉमस किड को भी यूनिवर्सिटी विट की कैटेगरी में जाना जाता है, इनको भी एज अ यूनिवर्सिटी विट ट्रीट किया जाता है। बट डू यू नो डेट ही वॉज द वन हु डिड नॉट स्टडी फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे, बस इनका राइटिंग स्टाइल कुछ यूनिवर्सिटी विट से मैच करता था, डैट्स वाई ही इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी विट। हमारे पास 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, 6 उनमें से पढ़ के आए थे यूनिवर्सिटी से। ओनली थॉमस किड वॉज द वन हु डिड नॉट स्टडी फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड नॉट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनका वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि एक रिवेंज ट्रेजेडी है, जिसमें रिवेंज, जो रिवेंजर होगा वो किसी भी हद तक अपना रिवेंज लेने के लिए उतर जाएगा। एंड वन थिंग मोर, वन फैक्ट मोर, ओनली मेल्स वर अलाउड टू परफॉर्म, सिर्फ मेल्स अलाउड होते थे, नो फीमेल्स वर अलाउड। इसीलिए वो फीमेल का करेक्टर भी अगर करना है तो मास्क यूज करते थे। ऐसे देख सकते हो आप, ये ट्रेजेडी का मास्क है और ये कॉमेडी का मास्क है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ड्रामा हो गया, पोइट्री। पोइट्री में हमारे पास 2 बड़े बड़े नाम हैं, एडमंड स्पेंसर, जिन्होंने लिखा था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन किसके लिए? क्वीन एलिजाबेथ के लिए, ठीक है। फिलिप सिडनी वॉज द वन प्रोमिनेंट राइटर, इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। एडमंड स्पेंसर को तो फेरी क्वीन के लिए जाना जाता है, इन द प्रेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ओके, देन वी हैव प्रोज। एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर 3 genres that were very much prevalent during Elizabethan time. तो prose is the third one. Prose में हमारे पास Francis Bacon. Bacon को father of essays बोला गया है, ठीक है। तो Bacon है हमारे पास, जिन्होंने of studies लिखा है, बहुत सारे essays लिखे हैं। And one more, Thomas More. Thomas More थे जो, उनका work Utopia, जिसको सारे लिटरेचर वाले बच्चे जानते होंगे, यूटोपिया, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे चोरी ना हो, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हर बंदा एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहे, तो ये था यूटोपिया, जो कभी भी सच नहीं हो सकता, ठीक है। एज यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज कॉल्ड यूटोपिया। तो इनका एक वर्क है यूटोपिया, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज नोन फॉर ओनली दिस वर्क। नाउ एज टू कंक्लूड, इफ आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस, अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, तो मैं बोल सकती हूं डेट लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज लेड द फाउंडेशन फॉर द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की जहां पे मेन फाउंडेशन हुई है, जहां से इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ है, वो कहां से हुआ है? एलिजाबेथन एज। डेट्स वाई एलिजाबेथन एज इज नोन एज गोल्डन एज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। यहीं से लिटरेचर जो है उसको बूस्ट मिला और उसने बहुत मीन्स तरक्की की इस टाइम पीरियड पे। और आपको रानी का भी पता चल गया और उनका पूरा पॉलिटिकली जो भी चल रहा था, आई हैव टोल्ड यू इन दिस लेक्चर।